माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से एक नया महीना, जून माह, पवित्र हृदय का, भक्ति का महीना, हम ये भी बोल सकता है परिवार के लिए एक विशेष महीना, परिवार में आशीष कृपाएं पाने का एक विशेष महीना। कल के क्लास में मैंने ये बता करके दिया था पवित्र हृदय का भक्ति करने के विषय में, और रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो जिसमें पवित्र हृदय का जो रोजरी माला है उसको जपने के विषय में। अनेकों लोग अपने परिवार के प्रति दुखी है, चिंतित है, परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, नशा करने वाले लोग, पति पत्नी हो सकता है दोनों काम कर रहा है लेकिन कोई पैसा कहाँ जा रहा है मालूम नहीं है, अच्छा घर नहीं है, बच्चों का पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चे गलत संगति में पड़ा हुआ है, मोबाइल में, इंटरनेट, टीवी, सीरियल्स, पता नहीं क्या क्या है जिसके अंदर बच्चे फंसा हुआ है। इस प्रकार परिवार में शांति के अभाव, लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है। कई लोग बोलते हैं मुझमें ही शैतान है और हमारे घर में शैतान है, पता नहीं क्या क्या डायलॉग है सुनने के लिए मिलता है। यदि आप स्वयं स्वीकार कर रहा है घर में शांति नहीं है और घर में शैतान है, तो आप उसके लिए क्या कदम उठाया? कई लोग बोलते हैं हम रिट्रीट गए, वहां तीर्थ स्थान में गए, हम लोग ये सब प्रार्थनाएं कर रहा है, फलाने को लेकर के आकर के घर में प्रार्थना करवाया, फलाने ने बोला है घर में पूर्वजों का बंधन पड़ा है, इसके लिए 50,000 खर्च किया, इसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया, पता नहीं कितनी कितनी कहानियां इस प्रकार सुनने के लिए मिलता है। घर में आकर के प्रार्थना करने के लिए कोई 50,000 ले रहे, कोई 30,000 ले रहे, कोई 20,000 ले रहा है, इसके बावजूद भी शांति नहीं है। कोई यहां से दूर जा रहा है, कोई पंजाब जा करके आ रहा है, वहां कोई पास्टर है वो प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा, सब कर करके देखा, लाखों रुपया इसके पीछे गया, लेकिन आज भी आपके घर में शांति नहीं है। एक काम करना है आपको, उसके द्वारा आपके परिवार में शांति, प्रेम, सब कुछ हो सकता है। आप अब तक अंधविश्वास में भटक रहे थे, दूसरों को सुन रहे थे और घर के शांति के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, इसके बाद नशा बंद नहीं हुआ, नशा बढ़ते जा रहा है, बच्चे प्रार्थना ही नहीं कर रहा है, कई लोग चर्च नहीं जा रहा है, प्रभु के प्रति भक्ति की कमी है, यह सब का क्या कारण है? हमें परिवार का सेटअप के विषय में हम लोग को थोड़ा मनन चिंतन सबसे पहले करना है। सबसे पहले यही, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, इसके बाद उस मनुष्य से स्त्री को निकाल कर उनका विवाह करवाता है, फलने फूलने का आशीर्वाद देता है। इस प्रकार प्रभु ने एक परिवार की घटना किया, परिवार का एक रूप प्रभु के योजना में था, लेकिन आज वो परिवार प्रभु के योजना के अनुसार नहीं है। मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, मलाकी
चैप्टर 2 वर्स 15 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं विवाह का क्या उद्देश्य है। वहां पर मलाकी कहते हैं क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता। स्त्री और पुरुष को ईश्वर ने क्या एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण एक आत्मा, उस एक व्यक्ति से प्रभु क्या चाहता है। उसका उत्तर दिया हुआ है धर्मी संतति, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 15। ईश्वर इस परिवार का घटना इसलिए आयोजित किया, उनका मन में ये योजना इसलिए आया, उस परिवार पति पत्नी एक होकर के धर्मी संततियों की सृष्टि करे, इसलिए फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1617 के अंदर 1617 के अंदर विवाह का 3 उद्देश्य लिखा हुआ है। ईश्वर ने क्यों विवाह करवाया, उसका 3 उद्देश्य वहां पर हमें कलीसिया सिखाते हैं। सबसे पहले दंपतियों का जो भलाई अच्छाई, स्त्री पुरुष एक होकर के आनंद खुशी का शांति का जीवन बिताएं और उन दंपतियों का भलाई सबसे मुख्य उद्देश्य, और उस प्यार में रह करके संतानों की सृष्टि करना ये विवाह का दूसरा उद्देश्य है। इसलिए ईश्वर ने फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। अब तीसरा उद्देश्य है उन बच्चों को ईश्वर ज्ञान में पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, उसका देखभाल करना। तो विवाह का 3 उद्देश्य है, एक दंपतियों का अच्छाई भलाई, दूसरा उस प्यार में एक हो करके संतानों की सृष्टि करना। अब ये दोनों परिवार में हो रहा है, एक तीसरी योजना जो ईश्वर की योजना है वो नहीं हो रहा है, वो है संततियों का अच्छा परिवारिश। कैनन लॉ 1055 में भी यही लिखा है, परिवार प्रभु की कुछ योजनाएं, उस योजना के अनुसार नहीं चलेगा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, वहां पर शैतान का कार्य आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जैसे मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2:15 में हम लोगों ने पढ़ा, संतानों की सृष्टि और धार्मिक संतानों की यदि सृष्टि चाहिए, धार्मिक जीवन जीने वाला माता पिता, धार्मिक जीवन भक्ति का प्रार्थना का जीवन जीने वाला माता पिता में धार्मिक संतानों का जन्म होगा। उदाहरण के लिए मेरे जो बच्चे हैं, हम लोग केरल के हैं, मलयालम बातचीत करते हैं, जन्म लेते वक्त कोई भी बच्चा कोई भी भाषा लेकर के नहीं आया। जब वो बच्चा बात करना शुरू करते हैं, घर में माता पिता क्या बात कर रहे, किस प्रकार उस बच्चे से बात कर रहा है वो सीख करके, मेरे बच्चे मलयालम सीखा, हो सकता है आपके बच्चे हिंदी सीखा या कुछ अन्य भाषा सीखा, जिस जो भाषा आपका है, जो बोली आपका है, आपका बच्चा इस प्रकार सीखा। इसके बाद जैसे माता पिता जैसे चाल चलते हैं, क्या काम करते हैं, उसका अनुकरण करते हुए छोटा बच्चा फिर से करना शुरू करते हैं। मम्मी को किचन में काम करता हुआ देखने वाले बच्चा अपना एक किचन बना करके वो ये बना रहा है, चाय बना रहा है, ये बना रहा है, ऐसे ऐसा बोल करके। खेल खेल में भी वो बच्चे ने जो देखा है माता पिता से घर में, उसका प्रवृत्ति वो करते हैं। बड़े होकर के भी इसी प्रकार बच्चों के मन में जो उन्होंने देखा अनुभव किया उसके अनुसार प्रवृत्तियां बच्चा करते हुए आएगा। उसी प्रकार है माता पिता, मेरे माता पिता क्रिस्तीय लोग थे, इस समय विश्वास करते थे, वो विश्वास मुझे मिल गया,
माता पिता प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना देख करके मैं भी प्रार्थना सीखा। मेरे माता पिता चर्च जाते थे, उसको देख करके मुझे भी चर्च जाने की इच्छा हुआ। इस प्रकार जिस विश्वास में हमारा माता पिता है उसके अनुसार संतान हो जाते हैं। ईश्वर धर्म में संतति चाहते हैं, उस धर्म में संतति के लिए माता पिता को धार्मिक जीवन जीना जरूरी है। आप चाहे कितना भी रिट्रीटों में जाएं, आप कितना भी तीर्थ स्थानों में जाएं, आप कितना भी बाइबल पढ़ते रहें, आप कितना भी ऐसा ऐसा कर्म करते रहें, यदि आपका जीवन में प्रार्थना का अभाव है, आप एक अच्छा धार्मिक जीवन नहीं जी रहा है, आप अपने बच्चे को भी बर्बाद कर रहा है। माता पिता किस प्रकार जी रहा है उसके अनुसार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2205 और 6 के अंदर 2205 and 6 के अंदर साफ साफ इसके विषय में लिखा हुआ है, बच्चों के लिए पहला पाठशाला स्कूल घर है। घर से बच्चे सब कुछ सीखते हैं, माता पिताओं से सीखते हैं, उनकी भाषा, उनकी प्रार्थना शैली, उनकी प्रवृत्ति हम देख करके बच्चे सीखते हैं। इसका मतलब बच्चों के लिए पहला पाठशाला स्वयं घर है। यदि आप धार्मिक जीवन जीने वाला बच्चा पैदा करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले धार्मिक जीवन जीना जरूरी है। जिस प्रकार का कम्युनिटी को आप खड़ित करना चाहते हैं, आध्यात्मिक बच्चे आपको चाहिए, आपका कहने मानने वाला बच्चा चाहिए, बुरे संगति से दूर रहने वाला बच्चा चाहिए, आपको इस प्रकार का जीवन जी करके दिखाना जरूरी है। जिस प्रकार का एक कम्युनिटी लाइफ आप अपने घर को बनाया है, वो आपके बच्चों में भी आपको आगे देखेगा। किस प्रकार आप आपस में प्यार करते हैं, घर के बुजुर्गों का आप कैसे सेवा करते हैं, ये सब देख करके हमारे बच्चे सीखते हैं। जहां पर इस प्रकार का एकता है, जिस प्रकार का प्यार है, वो प्यार परिवार में पवित्र तृत्व का एक चिन्ह दिखता है। घर में माता पिता बच्चे सब उस प्यार में, उस एकता में, उस सेवा में एक दूसरे का आदर कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्यार कर रहा है, वहां पर हम देखते हैं उस परिवार में पवित्र तृत्व। पिता का प्यार, पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा का प्यार वहां पर प्रकट होता है। पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर, वो सृष्टि कर्म घर में होता है। पुत्र ईसा मसीह अपने को शून्य बना करके दूसरों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित करने वाला, इस प्रकार विवाह एक बलिवेदी बना करके घर घर में वो पुत्र का प्रेम, एक दूसरे का सेवा करने वाला प्रेम प्रकट होता है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की आत्मा है, दोनों को प्रेम से जोड़ने वाला आत्मा है। यदि पवित्र आत्मा का वो प्रेम है तो घर में सब लोग एकजुट होकर के रहेगा, एकता आएगा। वो एकता घर के अंदर पवित्र तृत्व का चिन्ह है, निशान हो जाता है। इसका मतलब घर का वो प्यार में रह करके वो जीवन, ये परिवार का लक्ष्य ही है। हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है तो वो प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, शैतान के रूप में नहीं बनाया। कई लोग बोलते हैं मुझ में शैतान है, मेरे घर में शैतान है। क्यों शैतान आया? आप ईश्वर का उस रूप को शैतान के रूप में क्यों बदला है? इसके विषय में थोड़ा मनन चिंतन करना है। यदि आप उस शैतान को, उन शैतानी हरकतों को, घर में जो अशांति है उसको दूर करना चाहते हैं, घर में जो नशे का बंधन है, लड़ाई झगड़ा है, और जो विपत्तियां हो रहा है, अनहोनियां हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई नहीं, शादी नहीं, अन्य कई प्रॉब्लम्स घर में हो रहा है, उस शैतान को घर से निकालने का एक कार्य आपको करना है।
आज का क्लास में मैं वही बोलने के लिए आया है। चाहे कितना भी रिट्रीटें भाग ले, चाहे कितना भी बाइबल पढ़े, चाहे अन्य कार्य करें, यदि आप यह कार्य नहीं करेगा उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। यह सब चीजें आपको आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए सहायक जरूर है, लेकिन परिवार प्रार्थना में एक नहीं होकर के बैठता है। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है, वो घर धीरे धीरे टूटेगा। वो घर के अंदर शैतान को आप निमंत्रण दे रहा है। संध्या समय घर में प्रार्थना नहीं चलता है, टीवी चल रहा हो या सब अपने अपने मोबाइल पकड़ करके बैठा हुआ हो, उस घर के अंदर आपको नहीं मालूम शैतान कैसे गुस्सा है। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4:27 में संत पौलुस इसलिए कहते हैं, आप सतर्क रहो, आप सावधान रहो, आप शैतान को अवसर मत दो, शैतान आपके घर में घुस जाए। संत पेत्रुस अपना पहला पत्र अध्याय 5:8-9 में यही बोल करके दे रहे, आप संयम रखें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किसे फाड़काए, किस घर को नष्ट करें। ये शैतान का समय संध्या समय यदि घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए सब लोग नहीं बैठते हैं, उस घर आप शैतान के लिए दे रहा है। संध्या समय नशा करते हुए आप रह रहा है, शैतान को आप अपने घर में लेकर के आ रहा है। चाहे गलत ध्यान, गलत ऐसे ऐसे हरकतें, गलत दोस्तियां, ये सब शैतान को आप घर में निमंत्रण दे रहा है। एक बार शैतान घुस गया है, वो आराम से रहेगा, उपयुक्त समय तक वो इंतजार करते रहेगा आपके घर को कब बर्बाद करे। वो इंतजार करते, जिस प्रकार एक मछली को जिंदा रहने के लिए कुछ पानी की जरूरत है, ऐसे ऐसे कुछ मछलियां आपको मिलेगा जो बाढ़ के समय पर नदी से बाहर आया, किसी नालों में आया, थोड़ा सा पानी में कई महीनों तक पड़ा हुआ आपको मिलेगा। जिस प्रकार इस मछली को थोड़ा सा पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसी प्रकार शैतान को ऐसे ही लोग चाहिए जो नशा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पाप की जिंदगी नहीं जिंदगी जी रहा है, और जिसके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं। व्यक्तिगत तो प्रार्थना करने वाला कई लोग है। कई लोग बोलते हैं, हाँ बच्चे नहीं आते हैं, पति नहीं आते हैं, मैं अकेला करती हूं। गलत है। व्यक्तिगत तो प्रार्थना की जरूरत है, व्यक्तिगत तो प्रार्थना कर लो, लेकिन आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है कि नहीं? आपके जीवन में शांति की कमी है, आशीष की कमी है, आपके परिवार में आप स्वयं बोल रहा है अनेकों रुकावट है, बंदिश है, यदि इसको तोड़ना है पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत है। केवल पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा आप अपने घर से शैतान को बाहर निकाल सकता है। चाहे कितना भी प्रार्थना करने वाला ब्रदरों को, सिस्टरों को, फादरों को बुलाओ, आप प्रार्थना करा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, लेकिन इसके बाद यदि आपके घर में आप लोग परिवार मिलकर के प्रार्थना नहीं करता, ये गलत विचार है कि उनकी वो प्रार्थना के द्वारा शैतान भाग गया है। उस समय पर गया होगा, लेकिन तुरंत वापस आकर के वही घर में बैठेगा। इसलिए जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर नष्ट होगा। कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18:20 में प्रभु कहते हैं, 18 से हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु एक वादा करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में। जब प्रभु संसार की ज्योति योहन का सुसमाचार अध्याय 8:12 प्रभु ने कहा, मैं संसार की ज्योति। उस संसार की ज्योति जब हमारे बीच में आया, कब आया?
जब प्रभु के नाम पर प्रार्थना के लिए हम बैठ जाते हैं, जहां हम अपने को विनम्र करते हैं, एक घंटा प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार होते हैं, उसमें कुछ विनम्रता की जरूरत है, उसमें थोड़ा सहन करने की जरूरत है। जब इस प्रकार अपने को शून्य बनाते हैं, विनम्र करते हैं, वहां पर प्रभु का उपस्थिति, प्रभु बोलते हैं गारंटी है। उस घर में आपने प्रभु को बुलाया, जहां प्रभु आ गया, प्रकाश आ गया, अंधकार अपने आप हट गया। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। पूर्वजों का पाप दोष है, ये बंधन है, वो बंधन है, शैतान को निकालूंगा, ये बोल करके आप लोगों को भरमा करके पैसा लूटने वालों को दूर करो। आपको केवल एक कार्य करना है, आप अपने घर में रोज एक घंटे का पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। आज जून पहली तारीख को मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आज से शुरू कीजिए। आज तक नहीं हो रहा था तो कम से कम एक होली हवर कहते हैं, होली हवर, पवित्र घड़ी। जिस घर में प्रभु के नाम पर होली हवर मनाते हैं, पवित्र घड़ी मनाते हैं, उस घर में, उस घर के पास में शैतान नहीं आ सकता है, मेरा गारंटी है, लिख करके लीजिए। यदि हम लोग इस प्रकार का एक आदत माता पिता पति पत्नी शुरू करेंगे, उनके जितने भी संतान बच्चे होंगे उनको वो आदत तो बचपन से शुरू हो जाएगा। हम लोगों को इस प्रकार प्रार्थना करने का एक आदत तो बचपन से हमारे माता पिताओं से मिला, हमारे परिवार में सुबह शाम प्रार्थना होती। इस सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा हम बच्चे लोग सीख गया प्रार्थना करना। हमारे माता पिता हम लोगों को नियमित रूप से चर्च लेकर के जा रहे थे, इसी कारण हमें चर्च की जरूरत सीखने के लिए मिला। माता पिताओं को टीचर बनाया ईश्वर ने, टीचर, टीचिंग करवाना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2226 के अंदर लिखा है, विवाह संस्कार के द्वारा हम लोग पति पत्नी विवाह संस्कार में, वो एक संस्कार, वो उसके अभिषेक के द्वारा हम लोगों को एक अधिकार मिला है। हम हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को हमें सिखाने का, हमें सिखाना है हमारे बच्चों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, हमें हमारे प्रार्थना करते हुए हमें अपने बच्चों को सिखाना है। उस आदत में बच्चों को डालना जरूरी है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2252 के अंदर लिखा हुआ है, पेरेंट्स का, पति पत्नी का पहला कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ईश्वर ने जिन संतानों को दिया है उन्हें प्रार्थना में, विश्वास में उनका पालन पोषण करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1666 के अंदर, 1666 के अंदर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला विश्वास की जो घोषणा जो होता है वो परिवार में, परिवार में सबसे पहले वो विश्वास की बातें सुनते हैं। इसलिए परिवार में विश्वास के घोषणा करने वाला दंपति लोग उसको करना है। डिट्रोनमी चैप्टर 6:6 हम लोग पढ़ते हैं, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6:6 से आगे प्रभु वचनों को देखकर बोलते हैं, वचनों को अपने घर में सुनाओ, बच्चों को सिखाओ। बच्चों को सिखाने का अधिकार ईश्वर ने माता पिताओं को दिया है। सराक चैप्टर 3:2 में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:2 के अंदर लिखा, ईश्वर ने माता पिताओं को बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है, उन्हें सिखाने का, उन्हें प्रार्थना सिखाना है, विश्वास की बातें सिखाना है, और जो माता पिता चाहते हैं उसी के अनुसार बच्चों को जीवन जीना, इसमें बच्चों का कल्याण है। बच्चों को आशीष मिलने के लिए, कृपा मिलने के लिए, बच्चों के जीवन में
ईश्वरीय आशीष बरसने के लिए बच्चे माता पिता का कहना मानना है और माता पिता उनके लिए उदाहरण का जीवन जीने वाला बनना जरूरी है। इसलिए कोलोसियों का पत्र अध्याय 3:16 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, कोलोशियंस चैप्टर 3। वहां पर संत पौलुस इस पारिवारिक प्रार्थना के विषय में हम लोगों को सिखाते हैं। अध्याय 3:16 से मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करे, ये परिवार में होना है। इसके बाद आगे, आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन गाओ, स्तोत्र गाओ, आध्यात्मिक गीत गाओ, प्रार्थना करो, ये घर में होना है। इसके द्वारा आप अपने घर को स्वर्ग बनाएगा, जहां शांति होगा, वहां पर किसी नशे की जरूरत नहीं। उनके लिए प्रार्थना वो नशा बन जाएगा। वो भी है एफेसियों का पत्र अध्याय 5:18 से। आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है वो पहचानो। प्रभु क्या चाहते हैं? अंगूरी पीकर के, शराब पीकर के मतवाले नहीं बने, क्योंकि उसी में विषय वासना, लड़ाई झगड़ा, पाप सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए नशा में नहीं रहना, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अभी वाक्य 19 में, मिलकर भजन गाओ, स्तोत्र गाओ, आध्यात्मिक गीत गाओ, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। घर में ये होना है। यदि घर में इस प्रकार प्रार्थना मिलकर के होगा, मिलकर के गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, मिलकर के स्तुति करेंगे, मिलकर के रोजरी जपेंगे, उस घर में प्रभु का आशीर्वाद, उस घर में प्रभु का शांति निवास करेगा। उस घर के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, उस घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध करके उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1:10 के अंदर लिखा हुआ है। सकरियस का ग्रंथ अध्याय 2:9 में लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा और उनके चारों तरफ आग का दीवार बनकर रहूंगा। जब हम प्रार्थना में परिवार इकट्ठे होते हैं, सब लोग मिलना जरूरी है। सब लोग, एक भी जन अगर बाहर है, नहीं शामिल होता, उस घर में शैतान निवास करेगा। चाहे आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी आप बाइबल पढ़ो, कितना भी आप उपवास करो, कुछ भी कर लो, यदि आपके घर में मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, उस घर में शैतान आएगा, उस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके बाद बोलेगा, ये तो पूर्वजों का प्रॉब्लम है, ये फलाना प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसा बोलने से नहीं चलता है। प्रॉब्लम केवल एक है, आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। इसलिए एक निर्णय कीजिए। इस दुनिया में एक सुंदर ऐसा जगह है, वो परिवार है। मुझे एक कहानी कुछ समय पहले सुनने के लिए आए, कुछ वर्ष पहले मैंने सुना वो कहानी। एक चित्रकार अपने कैनवास में ऐसे एक चित्र उतारना चाहते थे जहां शांति का, उसको देखने से शांति का अनुभव आ जाए, आपसी प्रेम का अनुभव आ जाए, ईश्वरीयता का अनुभव आ जाए। ऐसे एक जगह को ढूंढ करके वो निकला। वो सबसे पहले सोचा, जहां फौजी लोग है, पुलिस वाला है, सब वहां पर
उनके द्वारा हर जगह पर शांति बनाए रखता होगा। वहां गया तो वहां तो केवल गोली चल रहा है, गालियां चल रहा है, मार रहा पीट रहा है, ये सब दिख रहा है। वो कई लोगों से इसके बाद मिलना शुरू किया। कहां मिलेगा? एक शांति का, प्रेम का, आदर का, जो ईश्वर का जो अनुभव वाला जगह। वो कलाकार ढूंढते ढूंढते राजमहल गए, मंत्रियों से मिले, संद्रियों से मिले, तंद्रियों से मिले, सब लोगों से ऐसा मिल मिल करके वो हताश निराश हुआ। उससे एक सीनरी को कैनवास में वो उतारना चाहते हैं जहां आपसी प्रेम, आनंद और शांति का एक अवस्था। कौन सा ऐसा दृश्य है ये सब हम लोगों को मिल सकता है? वो काफी समय तक, काफी दिनों तक यहां वहां घूमता रहा ऐसा एक सीन देखने के लिए, एक चित्र देखने के लिए, उस जिसको उसे कैनवास में उतारना है। कहीं अनेकों दिन घूमते रहे लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। वो वापस अपना घर लौटते हैं। एक दिन घर में आते आते उस शाम के समय था। वो दूर से देखा घर में प्रार्थना चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे आए, घर के आंगन में रुके ताकि इनकी प्रार्थना विघ्न ना हो जाए। उसने अपना कान दिया, परिवार पत्नी और बच्चे बैठ करके प्रार्थना कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे। अपने पिता जो दूर देश गया है, जिस कार्य के लिए गया है, उसकी सफलता के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। उसके मन में, उसके हृदय में एक प्रेम उमड़ा। देखो मैं मेरे घर से जाकर के इतने दिन हो गया, मेरा घर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके मन में उस समय पर एक विचार आया, इससे सुंदर एक सीनरी क्या है जिस घर में लोग घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक दूसरे का जहां आदर है, जहां सम्मान है, उस वही सीन सबसे, दुनिया का सबसे सुंदर सीन है। इसका मतलब हो, इसके बाद ऐसा प्रार्थना करने वाला एक परिवार का चित्र अपने कैनवास में उतारते हैं। इसके बाद लिखते हैं, यही जगह है दुनिया का सबसे सुंदर जगह, यही जगह है दुनिया का सबसे शांतिदायक जगह, यही जगह है दुनिया का सबसे आनंददायक जगह। जी हाँ, प्रार्थना करने वाला परिवार, जहां परिवार मिलकर के प्रार्थना करता है वो परिवार एक साथ रहेगा, वो टूटेंगे नहीं, उनके आपस में लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो सकता है, क्योंकि वहां शैतान को कोई अवसर नहीं मिल रहा है। जहां घर में मिलकर के प्रार्थना नहीं, अर्थात पारिवारिक प्रार्थना नहीं, बच्चे माता पिता बुजुर्ग सब लोग एकजुट, एक हृदय एक मन होकर के प्रार्थना नहीं करता है, वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं, वहां पवित्र तृत्व की उपस्थिति नहीं, उस घर में सब प्रॉब्लम होगा। आज निर्णय कीजिए, एक अच्छा परिवार चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, परिवार में एक दूसरे के बीच में आदर सम्मान चाहिए, रोज घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करने का। शाम के समय हमें समय निकालना है। हमारे घर में हम लोगों ने नियम बनाया हुआ है, 7 बजे से हमारे घर में प्रार्थना बैठना, हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। परिवार में एक नियम बनाइए, कब माता पिता बच्चे सब घर में उपस्थित रहेगा, उस समय को निर्धारित कीजिए। हमारे घर का प्रार्थना का समय ये होगा, घर का माता पिता, घर के बुजुर्ग लोग नियम बनाइए, उसके अनुसार पूरे परिवार 1 घंटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पेज नंबर 13 से आप लोग देख सकता है, वहां से अगर आप प्रार्थना, संध्या प्रार्थना करना शुरू करेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ गाना गाने के लिए भी, बाइबल पढ़ने का, ये सब लिखा हुआ है। उस जगह पर आप बाइबल को पढ़िए, सब कुछ कीजिए। इसके अनुसार यदि आप प्रार्थना करेंगे, रोजरी जपेंगे, जैसे इस महीने में हम लोग पवित्र हृदय का रोजरी करना है, ये सब करते रहेंगे, कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। आपको भी पता नहीं चलेगा। सबके हाथ में एक किताब रखिए, प्रार्थना किताब,
इसके द्वारा आपका जीवन कैसे बदलता है आप देखना। ये जून माह में थोड़ा कर करके देख लीजिए। एक नियम बनना है, सब कुछ के लिए नियम जरूरी है। परिवार में प्रार्थना का एक नियम, मैं और मेरा परिवार कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना में बैठेंगे, हमारे घर का पवित्र घड़ी होली हवर रहेगा। इसके द्वारा आपको और आपका परिवार को आशीष मिलेगा 100%। आप अनुभव करेंगे, परिवार में शांति आएगा, परिवार में खुशियां आएगा, परिवार के बच्चों में बदलाव आएगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका एक अच्छा भविष्य होगा। सारे रुकावटें, सारे शैतानी हरकतें, बंदिशें सब खत्म हो जाएगा। पारिवारिक प्रार्थना ये आपको, आपके परिवार को बचाएगा। इस समय पर हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जितने भी परिवार प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रभु उन परिवारों में आप उपस्थित रहकर उनकी प्रार्थना को सुनना। प्रभु पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक से विशेष रूप से जो प्रार्थना करने वाले परिवार को भी मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु इनकी प्रार्थना तो सुनना और उन्हें उत्तर देना, और लोगों को इस प्रकार एक संपूर्ण अच्छा प्रार्थना करने के लिए उनको प्रेरणा देना, पवित्र आत्मा से उन्हें भरना प्रभु, क्योंकि तूने कहा है 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर जहां कहीं भी इकट्ठे होगा उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु प्रार्थना के लिए जितने भी परिवार इस प्रकार इकट्ठे होंगे उन पर कृपा दृष्टि डालना प्रभु। आज से हम लोग अंबिकापुर में परिवारों के विजिट कर रहा है और प्रार्थना सभाएं हो रहा है। जितने भी परिवार में प्रवेश करेंगे, जितने भी विलेज में जाएंगे प्रभु, उन परिवारों को, उन विलेजेस को मैं समर्पित करता हूं। तेरा प्रेम उन घरों में रहे, उन विलेजेस में रहे, उस पल्लियों में रहे प्रभु। प्रभु दया कर पूरे छत्तीसगढ़ को समर्पित करते हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को, वहां के कलेक्टर्स को, वहां के गवर्नर को, सारे MLAs MPs को, सभी मंत्रिमंडलों को समर्पित करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, विशेषकर उस अंबिकापुर क्षेत्र को। प्रभु उस क्षेत्र में तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा हरेक घर में पूरा हो प्रभु। जिस प्रकार जोसेफ मिस्र देश में पहुंचा, जोसेफ के कारण तूने उस मिस्र देश को आशीष दिया, तूने उस जोसेफ को पुत्तीफर के घर में लेके गया, पुत्तीफर के घर जोसेफ के कारण आशीष से प्राप्त हुआ। प्रभु उसी प्रकार हमें भी आशीष बनाइए, जहां कहीं भी हम प्रवेश करेंगे उस घर को, उस क्षेत्र को आशीष मिले प्रभु। तो हमारे साथ रह करके इस मिशनरी काम में सफलता प्रदान करना। जितने दिन हम वहां रहने वाले प्रभु, तू हमारे साथ रह करके उस प्रदेश को आपके पवित्र हृदय में संभाल कर रखना प्रभु। हमारे द्वारा तू बात करना प्रभु। हम अपने को समर्पित करते हैं इस मिशनरी कार्य में, तू हमें सफल बनाना प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।